Hey guys, this is Deepak, Jaiswar. Welcome to my channel, Photo Stop. आज हम लोग बात करने वाले हैं the most important dial in your camera. Let's go. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ निकॉन डी 5200 के बारे में. ये बेसिकली के लिए बहुत ही एंट्री लेवल DSLR है. तो इसके ऊपर जो डायल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक सेटिंग्स होते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा. एंड ऑल्सो इस डायल के एक एक आइकन का क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बता दूँगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑटो मोड. सुनो, आपके डायल में पहला मोड होता है ऑटो मोड. ऑटो मोड यानी कि आपका जो भी कैमरा का सेटिंग्स रहता है वो ऑटोमेटिकली कैमरा आपके लिए सिलेक्ट करता है जो भी बेस्ट लाइटिंग कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से. तो अगर आप कभी कहीं पे जा रहे हैं और आपको तुरंत ही फ़ोटो क्लिक करना है तो आप ऑटो मोड में डायरेक्टली जाके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं. तो वो आपके लिए जो भी लाइटिंग कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से बेस्ट लाइटिंग आपको देगा. सो नेक्स्ट मोड इज़ नो फ्लैश मोड. बेसिकली नो फ्लैश मोड में कैसा होता है कि अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं ऑटो मोड पे तो कभी कभी आपका जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है. एंड जब वो शूट करता है तो सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप नो फ्लैश मोड यूज़ कर सकते हो. तो ये आपके सेटिंग से ही आपका जो लो लाइट इमेजेस है वो बहुत अमेजिंगली शो कर देगा. और नेक्स्ट इज सीन मोड. सीन मोड ये निकॉन के कैमराज में आपको देखने मिलेगा. बेसिकली इसमें बहुत सारे डिफरेंट सीन्स होते हैं जो आप कैमरा के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको नाइट पोर्ट्रेट हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, या फिर फूड फोटोग्राफी होगी. तो ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करके फिर शूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट मोड. पोर्ट्रेट मोड यानी कि जब आप किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो ये आपका बेस्ट सेटिंग्स यूज़ करेगा जो आपको पोर्ट्रेट शूट करने में हेल्प करेगा. तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग्स ये ले कर देगा, उसमें आपको कोई भी चीज़ें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ लैंडस्केप मोड. लैंडस्केप यानी कि अगर आप कोई लैंडस्केप पे जा रहे हो, जैसे कि आप किसी हिली एरियाज़ पे जा रहे हो, वाटरफॉल हो गया यानी कि एंड डिफरेंट एरियाज़ पे, तो वो आपका जो लैंडस्केप मोड है वो आपको बेस्ट सेटिंग्स यूज़ करेगा आपके लैंडस्केप को कैप्चर करने के लिए. नेक्स्ट इज़ बेबी मोड. बेसिकली निकॉन में ये भी है कि अगर आपको बेबी के इमेजेस लेने हैं, आपके घर पे अगर कोई बेबी है उसके इमेजेस क्लिक करने के लिए आप ये मोड सिलेक्ट कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड में बेसिकली जब आप कोई स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो, कोई भी फास्ट इमेजेस, या आपको बहुत हाई शटर स्पीड रहता है इसके लिए, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे जैसे कि अगर आप क्रिकेट शूट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेटिंग उसके हिसाब से रहेगा एंड आपका इमेजेस आपका स्पोर्ट्स कवर कर लेगा. नेक्स्ट इज़ मैक्रो मोड. ये मेरा बहुत फेवरेट मोड है. बेसिकली आप कोई भी छोटा इमेजेस रहेगा आपके, जैसे कि अगर आप कोई मिनिएचर फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर अगर आप कोई भी छोटे एंड्स या इन लोगों का फ़ोटोज़ ले रहे हो जो छोटे होते हैं, मैक्रो होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. एंड उसके बाद है एफेक्ट्स. एफेक्ट्स इज़ नथिंग बट आप लोग को जो एफेक्ट्स मिलते हैं ब्लैक एंड वाइट CPI, ये सारे इफेक्ट्स आपको कैमराज में दिखेंगे. तो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा सिलेक्ट करेगा, या फिर आप अपने कैमरे में सिलेक्ट कर सकते हो एंड उससे शूट कर सकते हो. आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए एंड यू कैन कंटिन्यू. ना, मैंने आपको सारे ऑटोमेटिक मोड्स तो बता दिए, बट इसके अंदर और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जो आप मैनुअली या सेमी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैं उसके बारे में आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. बेसिकली इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूँ, बिकॉज इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ. तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है प्रोग्राम मोड. सो प्रोग्राम मोड इज़ नथिंग बट प्रोग्राम मोड में कैसा होता है कि सारे सेटिंग्स ऑटोमेटिक ही होते हैं, बट बेसिकली आप हर एक सेटिंग्स को अलग से चेंज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको अपर्चर और शटर स्पीड ठीक लग रहा है तो आप ISO चेंज कर सकते हो एंड आप इमेजेस क्लिक कर सकते हो. एंड ऐसा अगर नहीं होता है तो आप या तो अपर्चर चेंज कर सकते हो या शटर स्पीड भी चेंज कर सकते हो. तो बेसिकली इसमें कैसा है कि अगर आप कोई भी सेटिंग्स छूट रहा है तो वो कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा. और नेक्स्ट है शटर प्रायोरिटी मोड. शटर प्रायोरिटी मोड कुछ नहीं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको S करके एक पार्ट मिलेगा, ये आपका शटर प्रायोरिटी मोड हो जाएगा. सो बेसिकली शटर प्रायोरिटी इज़ नथिंग बट आपको शटर स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको शटर स्पीड क्या चाहिए एंड आपका जो अपर्चर एंड ISO है वो आपका कैमरा डिसाइड करेगा कि आपको क्या वो क्या रहना चाहिए. तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में एंड रेसिंग फोटोग्राफीज़ में, जहाँ पे आप रेसिंग या स्पोर्ट्स इवेंट शूट कर रहे हो एंड वहाँ पे आप ये शटर प्रायोरिटी मोड सिलेक्ट कर सकते हो. आप अपना शटर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका मूविंग ऑब्जेक्ट का कितना क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए एंड बाकी की जो भी सेटिंग्स है वो कैमरा आपके लिए डिसाइड करेगा. तो ये उन चीज़ों के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है. एंड नेक्स्ट इज़ अपर्चर प्रायोरिटी मोड. नाउ अपर्चर प्रायोरिटी मोड इज़ नथिंग बट आप अपर्चर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. एंड बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोड्स. बेसिकली आप जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, दिन में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो एंड आपको कोई सेटिंग्स नहीं करनी है,
तो आप ये अपर्चर प्रायोरिटी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपर्चर सिलेक्ट कर सकते हो, आपको अपर्चर क्या चाहिए एंड आपका ISO एंड शटर स्पीड आपका कैमरा डिसाइड करेगा। नाउ इसको मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा सुबह यूज़ करना, बिकॉज जब आप जैसे जैसे आप शाम को इसको यूज़ करोगे आपका जो शटर स्पीड है वो स्लोअर होता जाएगा, यानी कि एक सेकेंड में फिफ्थ पार्ट में आपका एक शटर क्लिक होगा। एंड उससे क्या, अगर आप हैंड हेल्ड कर रहे हो तो आपका इमेजेस ब्लरी आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास एक ट्राइपॉड है एंड आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, तो आप ट्राइपॉड लगा के फिर बाद में अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ कीजिए एंड आपका इमेजेस भी बहुत अमेजिंग आएगा एंड ये आपको लो लाइट में भी बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ देगा विदाउट फ्लैश। अगर आपको विदाउट फ्लैश क्रिस्प एंड सॉफ्ट इमेजेस चाहिए तो आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मैनुअल मोड, आप मैनुअल मोड भी अपने डायल से ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जस्ट एम पे आपका डायल घुमाना है एंड आपका मैनुअल मोड शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली मैनुअल मोड इज नथिंग बट आपको आपके कैमरा के सारे सेटिंग्स पता होने चाहिए कि आपको कौन सा शटर स्पीड अपर्चर है एंड ISO लगेगा। तो आपको अगर ये चीज़ें पता है कि आपको कौन से कंडीशंस में कौन से लाइटिंग कंडीशंस में करने हैं, तो आप मैनुअल मोड सिलेक्ट करके वो सेटिंग सिलेक्ट करके आप शूट कर सकते हो। नाउ मैनुअल मोड में बहुत ही अमेजिंग इमेजेस आता है क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको वो इमेजेस अंडर एक्सपोज करना है, ओवर एक्सपोज करना है, कैसा आपको इमेज चाहिए, ताकि आपका इमेज आपकी स्टोरी बताए। सो बेसिकली नॉट जस्ट दैट, मैनुअल मोड में आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है आपका मीटरिंग कितना होगा, आपका आपको कितना फोकस चाहिए, आपको कितना एक्सपोजर चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मैनुअल मोड में ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं एक वीडियो में तो ये कवर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कैसे आप मैनुअल मोड को मास्टर कर सकते हो, आप कैसे उनका एक मीनिंग क्या होता है एंड आपको कैसे मैनुअल मोड हेल्प करेगा आपको वो अमेजिंग इमेजेस क्लिक करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप मैनुअल मोड में और भी अमेजिंग फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको और भी ऐसे वीडियोज़ देखने मिले। सो टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।